जमे हुए दरियाई संस्कार पर चादर ट्रेक का अहतमाम। लद्दाख में मौसम सरमा की सियाहत के लिए रखता है सबसे ज्यादा कशिश। एक माह तवील चादर ट्रेक का मुख्तलिफ महकमों के तआवुन से इनेकाद। दोनों बाजुओं से महरूम वाघामा अनंतनाग का आमिर लोन बन गए हैं मशाल राह। एक ऑलराउंड क्रिकेटर के साथ साथ बन गए हैं यूथ आइकॉन। आमिर पर बनाई जा सकती है एक फिल्म। सचिन तेंदुलकर ने भी की है तारीफ। सचिन की हौसला अफजाई पर आमिर ने किया इजहार मसरत। जम्मू कश्मीर में मनाया गया जोशो खरोश के साथ लोहड़ी का त्यौहार। मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद। फौजी जवानों ने भी धूमधाम से मनाई लोहड़ी। रक्स करके एक दूसरे को दी गई मुबारकबाद। Presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में बसारा से महरूम बच्चों के साथ लोहड़ी मनाई। इन्होंने कहा कि वो आम लोगों के साथ त्यौहार मनाते रहे हैं और उन्हें इन लोगों के साथ लोहड़ी मनाकर खुशी होती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल न होने से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस के फैसले पर तबसरा नहीं कर सकते। मैं हमेशा देश भर में देखता हूं कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड है जो है उनके साथ चाहे ईद दिवाली या कोई खुशी का अवसर। मैंने कहा ना, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी दूसरे स्कूल में ब्लाइंड स्कूल में गया था, उनके साथ ही लोहड़ी मंगाए ये मनाई थी। तो आज बड़े सालों के बाद में लोहड़ी के दिन जम्मू था तो मुझे याद आया था इतने साल पहले मैंने लोहड़ी मनाई थी उनके साथ। तो इस दफा सबको बताया मैं तलाश करो ऐसा स्कूल जो हो उसमें मैं जाऊं। सर राहुल गांधी की हो रही है, वो उनकी मर्जी है। मैं और श्रीनगर के बचमालू में सशस्त्र सीमा बल के 10वें वाहिनी के जवानों ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया। ये प्रोग्राम वाहिनी हेडक्वार्टर में एसएसपी कमांडेंट रोहितांशु की क्यादत में मुनक्किद किया गया। एसएसपी कमांडेंट ने लोहड़ी दहन किया। इसके बाद जवानों ने जमकर रक्स कर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। पंजाब का ये त्यौहार है बहुत श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है, जिसे हमारे कमांडर सर है तो इनके द्वारा हमारी पूरी एक संस्था एक हमारा परिवार है इनको इकट्ठा करके हमारा जो त्यौहार को मनाने की बहुत बढ़िया उपराला किया है। इसलिए हम अपने घर समझ रहे हैं, हम अभी घर में बैठे हुए हैं। हम लोग हमें बहुत उत्साह है अभी हम यार अपना त्यौहार मना रहे हैं। वो कमांडर साहब की बदौलत हमारे को ये त्यौहार मनाने का मौका मिला है। बिल्कुल, आप लोग अपने जो परिवार है उनसे दूर हैं, आपका जो परिवार है वो यही है और इन्हीं लोगों के साथ जो है आप जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार की जो कमी है वो जरूर महसूस होती होगी। हाँ, वो तो होता, घर रहते तो अब उसे और भी, अब जो घर की जो कमी है यहाँ पे हमारी पूरी की गई है हमारे महोदय द्वारा। तो हमारे बहुत इसी में हम प्रफुल्ल करते हैं भी हमारे कमांडर साहब द्वारा हमारे को ये त्यौहार मनाने का बहुत अवसर मौका मिला है। आज पूरा भारत लोहड़ी का त्यौहार मना रहा है, उसी लोहड़ी के त्यौहार को हम लोग 10 बटालियन SSB श्रीनगर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग अपने परिवार से घर से बच्चों से दूर हैं लेकिन हम लोग अपना जो ये हमारा बटालियन है हमारे जो सदस्य हैं यही हमारा परिवार, हम लोग यहाँ बड़े खुशहाली ढंग से और यहाँ परिवार के साथ ऐसे ही मनाना चाह रहे हैं और हम लोग बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे हैं। तो ये सशस्त्र सीमा बल के नौजवान हैं जो इस वक्त लोहड़ी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो SSB के नौजवान हैं वो इस त्यौहार को मना रहे हैं। माना ये जाता है कि इस त्यौहार के बाद जो है मौसम में परिवर्तन होता है और जो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है। तो इस वक्त हम श्रीनगर के बट्टा मालू में SS 10 बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर मौजूद है और ये देखिए ये SSB के जो जवान हैं उनमें काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ SS बटालियन के कमांडेंट भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, लड़कों से त्यौहार मनाया जा रहा है।
आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं और काफ़ी बाहर के लोग भी जो घर नहीं जा पाए हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा ही एक खुशनुमा मौका है और आप लोग भी आए, काफ़ी खुशी हुई मुझे देखकर। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है यहाँ SSB के जो जवान हैं वो हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।